लेकिन तुषार मुझे ये बताइए, जो समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोट करते रहते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो वो गांधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गांधी को कोट करते हैं, लेकिन जब अंदरूनी राजनीति की बात आती है तो वही गांधी की जगह नाथूराम गोडसे को उन्हीं के सांसद पूछते हुए नजर आते हैं, उनका मंदिर बनाया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। इस एटीट्यूड पर, ये जो एक दोहरा चरित्र है गांधी को लेकर, ये क्यों अपना रही है बीजेपी? और खासकर मैं मोदी जी की भी यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी है कि वो महात्मा गांधी को अपने साथ रखकर और हर जगह आगे बढ़े। नीलू जी, आपने सही शब्द का प्रयोग किया कि उनकी क्या मजबूरी है। गांधी ही उनकी मजबूरी है। वो बेचारे कितना भी चाहें गांधी को किनारा नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट परदेश जब जाते हैं तो उनको मालूम है कि मेरे मुल्क की पहचान आज भी गांधी ही है। अगर गांधी नहीं बताया तो मेरे को कोई खड़ा नहीं करेगा, मेरे मुल्क की पहचान कोई नहीं करेगा। उनको कितनी तकलीफ होती होगी ये करते वक्त, ये नाटक करते वक्त उनको कितनी तकलीफ होती होगी कि जिनके दिलों में हत्यारा बैठा हुआ है, जिनके दिलों में हिंसा की राजनीति के जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, उनको गांधी के सामने भक्ति का नाटक करते वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। हमें सहानुभूति होनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बाकी के सारे जो बीजेपी के नेता हो। मैं उन लोगों की सराहना करता हूं जो खुलेआम अपने दिल की जो बात है वो करने से झिझकते नहीं, क्योंकि असली खतरा हमें प्रधानमंत्री जैसे दंभियों से होता है। वो जो नाटक करते रहते हैं उसमें उनके साथ हम बिलीव करने लगते हैं कि देखो वो तो कितनी भक्ति करता है, वो कैसे ये सब करे। लेकिन उनकी चुप्पी जो है वही बताती है कि उनकी आस्था कहाँ है, और ये हमने समझना बहुत जरूरी है।